इंडिया तक राजदेवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं काशी मेरा से, जो कि फुल ट्रैफिक देखने को मिला। सुबह 7 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक फुल ट्रैफिक जाम रहा, जो कि चेक नाका पे भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है, इसके वजह से यहाँ पे जाम हो रहा है। अब देख सकते हैं काशी मीरा से लेके चेक नाका तलक फुल ट्रैफिक देखने को मिला और घंटों भर यहाँ पे लग गया, जो कि गाड़ी क्रॉस नहीं कर पा रहा है फुल ट्रैफिक की वजह से, और यहाँ पे पानी भर गया है इसके वजह से गाड़ी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, फुल ट्रैफिक हो गया है, सिंगल लाइन गाड़ी क्रॉस हो रहा है। इसके लिए आपको मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। आगे तलक मैं पैदल चल रहा हूँ और मैं भी बस में था, 1.5 घंटा से मैं बस में बैठा रहा और मेरा 10 बजे का ड्यूटी था, 10:30 बजे मुझे चेक नाका पे ही हो गया और मैं नहीं पहुंच पाया, और बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि महानगर पालिका का जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे पानी भर जाने की वजह से सिंगल लाइन गाड़ी जा रही है और वो भी डर डर के जा रहा है, इसके लिए तकलीफ़ हो रहा है सभी को और गाड़ी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि विरार से चल के, कुछ थाना से चल के और कुछ काशी मीरा से चल के, जो कि मुंबई के साइड जाने वाले लोग हैं जो ड्यूटी पे जा रहे हैं सुबह सुबह, तो सभी को भारी बारिश की वजह से कष्ट झेलना पड़ा। फुल ट्रैफिक देखने को मिला हाईवे से लेके सर्विस रोड तक पूरा जाम, आप देख सकते हैं फुल ट्रैफिक है, एक बाइक भी नहीं चल पा रहा है, और पब्लिक जो है जिनको ड्यूटी अर्जेंट जाना है वो पैदल चल के चेक नगर क्रॉस करके अपने सवारी ले रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि अब जाएगा इस लेकर के गाड़ी में बैठे रहे हैं और उनका ड्यूटी भी छूट गया। बहुत सारे लोगों को समस्या हुआ है आज के दिन। आज है 16 जुलाई, जो कि सुबह के 9 बज रहा है। अब देख सकते हैं फुल ट्रैफिक होने की वजह से सभी को नुकसान झेलना पड़ा और सभी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं फुल पानी भरा हुआ है, पानी भरने की वजह से चेक नगा से पहले फुल ट्रैफिक, चेक पोस्ट है गाड़ी क्रॉसिंग, वहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल गाड़ी को भी डंडर के इसके वजह से क्रॉस कर रहा है। आप देख सकते हैं फुल पानी भरा हुआ है, घुटना भर मेरे को पानी हुआ है, यहाँ से मैं आया हूँ पैदल तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से सभी को तकलीफ झेलना पड़ रहा है। बस स्टॉप पर आप देख सकते हैं कुछ पब्लिक है जो इंतजार कर रहा है पैदल चल के, क्योंकि गाड़ी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए सभी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ लोग हैं जो पैदल निकल के आ रहे हैं। ये जो आप देख सकते हैं चेक पोस्ट है महाराष्ट्र महानगर पालिका का, यहाँ पे सिंगल गाड़ी क्रॉस कर रहा है, कारण ये है कि आगे पूरा रोड खाली है, चेक नाका पे कोई जाम नहीं है, और आगे आपको बता दें कि चेक नाका पूरा खाली है, शिवाजी का आगे का भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से खाली है, देख सकते हैं आप पूरी तरह से खाली है, सिर्फ सिंगल लाइन क्रॉस करने की वजह से सभी को गाड़ी क्रॉस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए जाम हो रहा है, बहुत ही कष्ट हुआ और सभी को ड्यूटी छूट गया। महानगर पालिका सिर्फ काम करते हैं, पैसा लेने का काम करते हैं, गड्ढा भरने का काम नहीं करते हैं, और यहाँ पे टोल नाका पे भी देख सकते हैं पैसा लेने के लिए सब लोग इकट्ठा रहते हैं, पैसा ले लेते हैं, और पब्लिक को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। महानगर पालिका का जो टोल नाका है यहाँ पे हमेशा जाम रहता है, और इसलिए करके बहुत प्रॉब्लम होता है, पैसा लेने के लिए काम पे जाने के लिए तैयार रहते हैं और गड्ढा भरने का काम नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि धैसर चेक नाका बुरी तरह से जाम रहता है और सभी को हर दिन ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं बस स्टॉप पे भी कितना भीड़ है, और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बस आएगा तो मैं जाऊँगा। आप देख सकते हैं फुल ट्रैफिक, पीछे बस फंसा हुआ है जाम में, तो कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे, क्योंकि बस हिल ही नहीं रहा है। करीबन 1.5 से 2 घंटा हो गया बस को चेक नाका पोस्ट से पहले काशी मीरा जो ब्रिज है वहाँ पे फुल ट्रैफिक देखने को मिला, और गाड़ी थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, और बहुत ही ज़्यादा पानी होने की वजह से सभी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और आप देख सकते हैं पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और टायर भी डूब गया है, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है सारे गाड़ी का टायर, और धार चल रहा है, यहाँ तक आपको बता दें तेज़ी से धार चल रहा है, जो कि महाराष्ट्र का जो पिलर बना हुआ है, जो महानगरिका का पिलर बना हुआ है वहाँ पे ये पानी जा रहा है, और यही पानी की वजह से आगे गाड़ी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे कुछ गड्ढा है
जो कि वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं अभी तक है, और जो भी प्रशासन है वो अपने जगह पे बैठा हुआ है। आपको हम आगे दिखा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, और सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ा आज की डेट, जो कि आप देख ही रहे हैं सभी को कितना कष्ट हुआ होगा। सुबह 7 बजे से लेके 12-1 बज गया सभी को यहीं पे, और किसी को काम पे जाने को नहीं मिला। सभी को तकलीफ़ झेलना पड़ा, और जो भी होशियारी किया है, जो पैदल चला है, उनको ड्यूटी पे जाने को मिल गया, ताकि उनको आगे से गाड़ी मिल गया है, जो कि भैंसर से चल के मुंबई के साइड जाने वाली जो भी गाड़ी है उनके थ्रू उनको जाने को मिल गया है। और जो पब्लिक गाड़ी में बैठा हुआ है, जो पब्लिक बस में बैठा हुआ है, सोच रहा है कि अब खुलेगा अब खुलेगा, तो ऐसा होता है तो आप लोग तुरंत उतरिए और आगे चल के देखिए क्या हो रहा है। इसके आगे चलने के बाद आप खुद को पता चल जाएगा और आप चेंज कर सकते हो गाड़ी। तो इस स्थिति में आपको यही करना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं बस का भी टायर डूब चुका है और पूरी तरह से पानी का, देख रहे हैं आप पानी का धार कितना चल रहा है। जो महाराष्ट्र के पिलर बना हुआ है, महानगर पालिका का जो पिलर बना हुआ है, वहाँ पे ये धार चल रहा है। यहाँ से मैं पैदल क्रॉस कर रहा हूँ और मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा था, जो कि आप सबके बीच लेकर आया हूँ। और वीडियो को शेयर करिए, हमारे मुंबई महाराष्ट्र सरकार को टोल नाका लेने के लिए पैसा पहले ज़रूरी होता है और काम करने के लिए नहीं होता है। BMC का लापरवाही की वजह से सभी को दुख झेलना पड़ता है और तकलीफ़ झेलना पड़ता है, और बहुत को रोज़गार भी छूट जाएगा आज के डेट में, जो कि पूरी तरह से हर जगह जाम देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और धार इतना चल रहा है, देख रहे हैं कि गटर में कितना तेज़ी से पानी जा रहा है और हर जगह पानी भरा हुआ है। देख रहे हैं इंडिया तक राजदेवी न्यूज़। इस न्यूज़ को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसी तरह का न्यूज़ आपके पास अगर कहीं भी कुछ भी न्यूज़ है, ये है कि तो मुझे आप पानी भरा हुआ है चेकनगर से पहले, हमारा नंबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। प्लीज़ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को BMC महाराष्ट्र सरकार तक पहुँचाइए, ताकि सभी को कष्ट ना हो और सभी को जाम हो गया है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से, ताकि यहाँ पे आकर के BMC अच्छे से काम करे और गाड़ी दो फीट करीबन पानी, 1.5 फीट करीबन पानी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रशासन इसीलिए सभी को दिखाई हालांकि नहीं कष्ट झेलना पड़ रहा है, जो कि सभी को क्रॉसिंग कराना था पास नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से जाम लग रहा है। सब लोग अपने मर्जी से डर के क्रॉस हो रहे हैं और इसकी वजह से जाम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे प्रशासन होना जरूरी था, ताकि आगे क्या है बताने के लिए। धन्यवाद, शेयर करते रहिए, लाइक।